बंगाल चोणां च नतीजे आउण तों बाद बंगाल विच हिंसा दीआं कई घटनावां सामणे आईआं हन। उत्थे कई भाजपा दे कार्यकर्तावां ते हमले ते भाजपा दफ्तरां दी तोड़फोड़ भी होई है, जिस नूं देखदे होए भाजपा दे राष्ट्रीय प्रधान जी पी नड्डा दे सद्दे ते अज पंजाब विच वख-वख थावां ते भाजपा दे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हन। उत्थे ही पंजाब विच भी भाजपा दे प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई विच ममता सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। अश्विनी शर्मा का कहना है कि चोणां दे बाद भाजपा कार्यकर्तावां दी हत्या हुई है। जिस तरह बंगाल विच लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसकी वह निंदा करते हैं। ऐसा कि बंगाल चुनावों तो बाद जिस प्रकार हिंसा का दौर बंगाल चलिया है और बीजेपी दे नौ कार्यकर्ताओं का दी हत्या उत्थे कीती गई है, इनू लैके अज पूरे देश दे अंदर भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो कोरोना दे नियमां दा ध्यान रखदे होए धरना प्रदर्शन कर रही है। इहदे ही तहत अज पंजाब दे अंदर भी सब मंडलों के अंदर अपने कार्यकर्ता पांच पांच की संख्या के अंदर रोस प्रकट करने लई धरना दे रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर हत्यावां दी हिंसा दी आगजनी दी कोई स्थान नहीं है। बंगाल के अंदर चुनावों तो बाद जिस प्रकार पार्टी के ऑफिसों नूं जलाया जा रहा है, महिलावां नहीं बख्शियां जा रही, कार्यकर्तावां दीआं हत्या हो रही हैं, ये हिंदुस्तान दे लोकतंत्र नूं शर्मसार करदा है। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी दे आह्वान दे उत्ते अज इहदे प्रति अपना रोस प्रकट कर रही है और इन्हां घटनां दी निंदा करदी है। चुनाव के अंदर लोग अपने मत के द्वारा तय करते हैं कि कौन सरकार च आएगा कौन सरकार च नहीं आएगा। उदे प्रणाम तो बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ममता जी को मुबारकबाद देती, एक परंपरा है और बाकी नेतावान ने भी शुभकामनावां दित्तियां। लेकिन ममता जिस प्रकार का व्यवहार TMC दे गुंडे उत्थे कर रहे ने ये असहनीय है और भारतीय जनता पार्टी दे बंगाल दे कार्यकर्ताओं का बलिदान जड़ा है वो खाली नहीं जाएगा। इस गुंडागर्दी दे खिलाफ BJP हिंदुस्तान दे किसी भी प्रांत च रहन वाला BJP दा हर वर्कर जड़ा है बंगाल दे भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकर्ताओं दे नाल खड़ा है और ये संदेश देने लई अज धरना जिहड़ा दिता जा रहा है। और ममता सरकार नूं हुण तां उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अमन शांति और सुरक्षा देना उन्होंने मुंडली जिम्मेवारी होनी चाहिए है और ये हत्यावां दा दौर आगजनी दा दौर तोड़फोड़ दा जो दौर जिहड़ा वो बंद होए ये संदेश देने लई अज असीं धरने ते बैठे हाँ। मैं भी कार्यकर्ताओं के नाल ही बैठना सी लेकिन क्योंकि मेरे परिवार के दो साढ़े बेटे जड़े ने वो कल पॉजिटिव आ गए, इस करके मर्यादावां का ध्यान रखते हुए मैं कल्ला ही जड़ा 11 बजे तो लैके 12 बजे तक जड़ा आपां ये रोस धरना दे रहे हैं। मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के ही ये धरना दिता है और अज पंजाब के हर कोने से धरना दिता जाएगा जा रहा है। जिथे एक पासे असी कोरोना नाल लड़ रहे हैं उन्हां सारियां मर्यादावां दा ध्यान करदे होए अपना कार्यकर्ता सेवा काम च भी लगा है, चाहे सैनिटाइजर बंडना होए, चाहे फेस कवर बंडना होए, चाहे टीकाकरण करवाना होए, पंजाब दे लोकां दी सेवा कर रहा है। लेकिन बंगाल च जो कुछ होया उहनूं देखण तों बाद चुप नहीं रहा जा सकदा सी, इस करके ये अज धरना जिहड़ा उह चल रहा है।